कहते हैं इस देश में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, सरदार पटेल, नेताजी बोस, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को आदर्श मानते हैं, तो ऐसे नौजवानों से विशेषकर मेरी गुजारिश होगी कि आज आपके अंदर राजनीतिक चेतना का संचार होना चाहिए। आज आपको राजनीति पर चिंतन मंथन करना चाहिए। जब आप 2 घंटा ड्रीम इलेवन में बकवास में चिंतन मंथन करते हैं, अपना बर्बाद करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको 2 घंटा राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करना चाहिए। आप अगर भगत सिंह को मानने वाले युवा हैं, उनके विचारों को मानने वाले युवा हैं, तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चुप नहीं रहना चाहिए, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सवाल करना चाहिए। यदि आप सच में भगत सिंह को मानने वाले युवा हैं, तो इसलिए मुझे लगता है आज झारखंड की राजनीति ने करवट लिया है। मैं देश की नहीं कह सकता, लेकिन झारखंड की राजनीति ने करवट लिया है, और आज झारखंड में एक साधारण सा लड़का अपने विचारों के बल पर आपके बीच एक एमपी प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। अगर मेरी उम्र की बात कही जाए, अगर हमारे उम्र के तकाजे को ख्याल रखा जाए, तो शायद हम लोग मुखिया के प्रत्याशी के रूप में अभी अपने आप को ना माने कि भाई अभी उम्र ही क्या है, लेकिन आज परिस्थितियों ने, आज हालात ने, झारखंड की समस्याओं ने लड़ते लड़ते आज हमें इस योग्य बनाया कि आज हम एमपी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, और कर नहीं रहे, दोनों दल में अकबकी छुटा हुआ। देखिएगा सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले आजसू की आलोचना नहीं करते हैं, जाइएगा उनके पेज को पढ़िएगा, उनका बेटा का, उनका भाई का, उनका चाचा का, जरा मातों का चर्चा होता है। आज सुबह लोगों को पढ़िएगा, भले उनके प्रत्याशी बोल दे हमारा नाम ना ले मीडिया के सामने, लेकिन पढ़िएगा उनके पेज को जाकर, उनके निशाने पर जरा महत्व होता है। दोनों राजनीतिक दल, चूंकि देखिए भले दोनों अलग अलग है, लेकिन काम तो वही कर रहा है। जयप्रकाश चौधरी जी की बात करें तो खुद सांसद, पत्नी रामगढ़ से विधायक, क्या मतलब है जनता से। मथुरा प्रसाद जी की बात करें तो 3 बार से विधायक, मंत्री, और ले दे के सारा प्रॉपर्टी हॉस्पिटल के लिए बनाओ, यहाँ जमीन लो, वहां लो, यहाँ लो, किसी से छुपा नहीं है। तो भले दोनों अलग दल है, लेकिन आज दोनों एक हो गया है कि भैया कुछ भी हो जाए, अरे तो जीत चाहे हमें जीत, इधर मन आ जीत चारी कह पता है, तो जीत में तो हटे करवे झंडा हमें करवे, हमें पत्नी के विधायक बना लेते, मेटवा का बनाइए, लेकिन अगर ये छोड़ो जीत तो ककरा कहाँ हाथ रख के बनाए दे तो के ना जानो, ये छोड़ो अगर जीत तो ककरा नेता बनाए दे तो के ना जानो। देखले रातों रात 1 लाख कौन है भाई, 1 लाख अंसारी रातों रात चर्चा बन गए, की परिणाम भेते ना भेते, लेकिन रातों रात एक नेतृत्व तैयार किए, चुनाव में जीत होगा हार होगा मैंने नहीं है देख रहा है, धनबाद की राजनीति में एक चेहरा अचानक सामने तो ला के रख दे, उसका नाम 1 लाख अंसारी है, तो इस बात के लोग को डर है कि तुम्हें जीत चाहे हमें जीत कोई दिक्कत ना है, तुम्हें जीत में तोरो बात तोरे घर के लोग विधायक बनतो, अरे बुड़बक जनता है जन, दरी बिछे तो नारा लगे तो, और जीतल बात भूल के गुलगस्ता दे तो एगो दुगो के ठीका ओका दे देबे, बाकी के बोका बने आप आकलन कीजिए। हम तो नहीं कह रहे भाई कि हमें मतदान कीजिए, लेकिन आप आकलन कीजिए, आज उनके 15 साल के राजनीतिक करियर पर जाइए, मंत्रालय संभाल चुके हैं, पर जानिए उनकी प्रॉपर्टी को, जानिए उनके आचरण को, जानिए उनकी सोच को, कि उनकी सोच क्या है। सबसे पहले बात युवाओं साफ जान लो, आज नारों से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, न भारत महाशक्ति नारों से बनेगा। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो, चाहे 10 ट्रिलियन हो, चाहे भविष्य में 30 ट्रिलियन हो, अगर सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो कभी भारत उन्नत राष्ट्र नहीं बनेगा। विकेंद्रीकरण का मतलब सबके पास सत्ता भी सब तक पहुंचे और संपत्ति भी सब तक पहुंचे, लेकिन अभी जो राजनेता है, पता कीजिए, कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है सबकी, उस कई हजार करोड़ में कई हजार परिवार पाले जा सकते थे कि नहीं, किसी की बात करें, विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, कई हजार, खासकर धनबाद बोकारो की बात करें तो कई हजार करोड़ की इनकी संपत्ति है, उस कई हजार करोड़ में कई हजार परिवार तो जरूर पाले जाते, कई हजार परिवारों का तो भरण पोषण जरूर होता, कई हजार परिवारों का पेट तो जरूर भरता, लेकिन सच में अगर वह जनता के हितैषी है तो हम पहला संदेश देना चाहेंगे, चाहे सांसद रहे, विधायक रहे या प्रत्याशी रहे, कि अगर सच में आप जनता के हितैषी हैं तो जैसा कि सूचना मिला है और जैसा कि जनता जानती है, ये जनता जानती है कि आपके पास, आप सबों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति है, तो एक काम कीजिए, चूंकि आप अपने दम पर नेता नहीं बने हैं, आप अगर नेता बने हैं तो जनता के विश्वास के कारण बने हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप 5% बहुत है,
ज्यादा से ज्यादा 10% अपनी संपत्ति को रखिए, बाकी जनता के बीच दान कीजिए, हम मानेंगे आप जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, अगर एक नेता खाली त्याग करेगा ना जी, तो हम बोल दे रहे हैं 1000 कम से कम 10000 परिवार